अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज है ईद का दूसरा दिन और मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इस वक्त मौजूद है मलीर रेलवे स्टेशन पे और रेल फैनिंग हो रही है और दो गाड़ियाँ इस वक्त हम लोगों ने रिकॉर्ड की हैं। एक थी पहली 69 रांची एक्सप्रेस और दूसरी अभी 6 जॉन ग्रीन लाइन, और अभी अपसेट गाड़ियाँ शुरू होंगी चलने के लिए और वेट करेंगे थोड़ा सा उनका और देखते हैं आज शाम तक जितना हमारे पास टाइम है तब तक कितनी गाड़ियाँ हम लोग यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये है जी आज की तीसरी गाड़ी हमारी, जो है 41 एफ कराक्रम एक्सप्रेस, जो कि कराची से निकली है और लाहौर जाएगी। गाड़ी की स्पीड ट्रैकर के हिसाब से तकरीबन 50 किलोमीटर है और GEU40 लीड कर रहा है इसको। अब है जी हमारी चौथी गाड़ी, जो है 9 अपलाम इकबाल एक्सप्रेस, जिसको लीड कर रहा है Z230 और ये कराची से शालकोट जा रही है। और मेरे हाल में ट्रेन को ब्रेक लग गई,
पांचवी रेलगाड़ी 48 डाउन इस्लामाबाद एक्सप्रेस अचानक ही आ गई है, हमारा ध्यान ही नहीं था इसकी तरफ, ध्यान था हमारा 33 अप की तरफ, और हो सकता है दोनों का क्रॉस यहीं पे हो जाए। अगली गाड़ी जो हमारे पास आ रही है वो है 33 अपार्क बिजनेस एक्सप्रेस, इसको भी Z230 लीड कर रहा है और ये गाड़ी भी तकरीबन 50 मिनट लेट है। गाड़ी 6 स्पीड में लग रही है। हेडलाइट्स ऑफ हैं। ड्राइवर साहब ने इशारा देख लिया था, हेडलाइट्स का ऑन कर दी थी उन्होंने। ये थी 33 पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, इसके पीछे पीछे आ रही है 149 अब मेहरान एक्सप्रेस, डिग रोड पे खड़ी है वो, और उसके पीछे है फिर 17 अब मिलत एक्सप्रेस। नेक्स्ट गाड़ी है जी हमारे पास 149 अब मेहरान एक्सप्रेस, जिसको लीड कर रहा है HDMU30। गाड़ी की स्पीड ट्रैकर के हिसाब से तकरीबन 55 किलोमीटर है, आप देखते हैं एक्चुअल स्पीड। इसकी भी हेडलाइट्स ऑफ हैं, कोशिश करते हैं इसकी भी हेडलाइट्स ऑन करवाएं। इसके पीछे पीछे अब 17 अप है मिल्लत एक्सप्रेस।
7 अप तेजगाम एक्सप्रेस। टाइम हो रहा है 6:50 और गाड़ी हमारे सामने आ रही है 15 अप कराची एक्सप्रेस तकरीबन 40 मिनट लेट है। इसके पीछे अब KCR 1 अप और उसके बाद होगी फिर 25 अप बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस, 14 नवाब एक्सप्रेस जो है वो अप्रोच बना रही है। सामने से आ रही है जी KCR 1।
शाह लतीफ एक्सप्रेस। देर के हॉल्ट के बाद यहाँ से ये रवाना हो जाएगी।